दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मौजूद हूं आपके साथ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा की थी प्रथला विधानसभा और नैनपाल रावत को लेकर। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बार फिर प्रथला विधानसभा को लेकर ही आपके साथ में हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि चुनाव जब आ जाता है, क्योंकि अब चुनाव हरियाणा विधानसभा का नजदीक है, अगले दो ढाई तीन महीने के अंदर अंदर जो हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा है, इसके लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा, चुनाव का आगाज हो जाएगा और उस चुनाव को लेकर के तमाम लोग, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, इनके साथ साथ वो लोग भी होते हैं जो चुनाव लड़वाते हैं। इसके साथ साथ पाल, पंच, जाति, बिरादरी, कास्ट, धर्म, इन सबको लेकर के जो पैमाना समीकरण बनता है, उन सबके लिहाज से भी रणनीति का रणनीति बनाया करते हैं। तो प्रथला विधानसभा क्षेत्र, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो विधानसभा क्षेत्र जो 2009 के चुनाव में जहां पर पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, प्रथला विधानसभा क्षेत्र जो 2007 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया, हरियाणा का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसके अंदर कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, पूरी तरह से ग्रामीण बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, जिसका हेडक्वार्टर अगर आप कहें तो प्रथला है, लेकिन इसके बावजूद जो सब डिवीजन उसका आधा बल्लभगढ़ लगता है, आधा पलवल लगता है, प्रथला विधानसभा क्षेत्र के जो गांव हैं। और प्रथला विधानसभा क्षेत्र को भी आप मान लें तो प्रथला विधानसभा क्षेत्र का लगभग 35% एरिया पलवल जिले में आता है और 65% हिस्सा फरीदाबाद जिले में आता है। मैंने आपको बताया कि जाति, गोत्र, पाल, इन सबको लेकर के राजनीति होती है। प्रथला विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर जाट, राजपूत और ब्राह्मण, ये मतदाता बड़ी संख्या में हैं, दलित मतदाता भी हैं, यहाँ कुछ मुस्लिम मतदाता भी हैं। प्रथला विधानसभा क्षेत्र से तीन जो विधानसभा चुनाव आज तक हुए, 2009, 2014 और 2019, तीनों विधानसभा चुनावों के अंदर अलग अलग समाज के लोग विधायक चुने गए। 2009 में रघुवीर सिंह तेवतिया विधायक बने जाट समाज से, 2014 में टेकचंद शर्मा विधायक बने ब्राह्मण समाज से, 2019 में नैनपाल रावत विधायक बने राजपूत समाज से। अगर आप चुनावों में देखें तो 2009 के चुनाव में राजपूत नेता भी थे, ब्राह्मण नेता भी थे और जाट नेता भी थे। 2014 के चुनाव में भी जाट नेता भी चुनाव लड़े, राजपूत नेता भी चुनाव लड़े, ब्राह्मण नेता भी लड़े। 2019 में भी ब्राह्मण नेता भी लड़े, राजपूत नेता भी लड़े और जाट नेता भी लड़े। इस विधानसभा चुनाव को लेकर मैं आपसे चर्चा में हूं इस वीडियो के अंदर कि ब्राह्मण समाज अब की बार किस तैयारी पे है, ब्राह्मण समाज के कौन से नेता चुनाव लड़ने के इंटरेस्टेड हैं, ब्राह्मण समाज के कौन से चेहरे आपको मैदान में दिख सकते हैं, इस सब बातों को लेकर आपसे मैं चर्चा करूंगा। 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से यहां से पंडित टेकचंद शर्मा विधायक बने थे। पंडित टेकचंद शर्मा का अगर मैं आपको बता दूं तो मूलतः जो उनका गांव है वो भिड़ूकी है, जो कि होडल विधानसभा में आता है, और टेकचंद शर्मा का जो कार्यालय है वो सीकरी गांव में आता है, और टेकचंद शर्मा का जो निवास है वो फरीदाबाद के सेक्टर 37 में है। यानी कि पलवल जिला और फरीदाबाद जिला दोनों में टेकचंद शर्मा का एक जगह निवास है और एक जगह उनका मूल पैतृक ग्राम है। जिला परिषद से राजनीति शुरू की थी टेकचंद शर्मा ने और विधानसभा के दो चुनाव लड़े, 2009 में और 2014 में। अगर मैं आपसे बात करूं तो टेकचंद शर्मा ने 2019 के चुनाव में खुद चुनाव नहीं लड़ा, वो ब्राह्मण समाज के जो नेता जो टेकचंद शर्मा जी हैं उन्होंने राजनीतिक रूप से अपना ये त्याग किया और चुनाव नहीं लड़ा। अब जो 2024 की तैयारी है, कौन से ब्राह्मण नेता हैं, इससे पहले आपको जरूर बता देना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव में टेकचंद शर्मा तो 2009 और 2014 दोनों चुनाव लड़े, और 2019 के चुनाव में जो यहां से ब्राह्मण नेता चुनाव लड़े वो है सुरेंद्र वशिष्ठ। पंडित सुरेंद्र वशिष्ठ, अगर मैं उनका बता दूं तो उनका जो पैतृक गांव है, जो मूल गांव है उनका, वो राठीवास है। यानी कि मुझे लगता है कि शायद सोहना विधानसभा क्षेत्र में वो पड़ता होगा या नूह में लगता होगा, पलवल जिले में भी नहीं है और प्रथला विधानसभा या फरीदाबाद जिले में भी वहां कहीं उनका वो गांव नहीं है। गुरुग्राम उनकी लोकसभा है और विधानसभा उनकी या तो सोना होगी या नू होगी। लेकिन सुरेंद्र कौशिक भी, पंडित जी सुरेंद्र जी भी, पिछले चुनाव से जब उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा तो उन्होंने खुद को बताया कि उनका जो निकास है मूल, वो बगौला गांव से है।
बगोला गांव बड़ा ब्राह्मण बाहुल्य गांव है प्रथला विधानसभा क्षेत्र का, और अब तो उन्होंने अपना रहन सहन सब यहीं बगोला में कर लिया है। तो ये प्रथला विधानसभा से 2019 में चुनाव लड़े और 2014 और 2009 में चुनाव लड़े पंडित टेकचंद शर्मा। अब 2024 की तैयारी है, तो 2024 में कौन से ब्राह्मण चेहरे अभी सामने दिखाई दे रहे हैं, उनका रसूख क्या है, उनका असर क्या है, उनका वजन कितना हो सकता है, वो चुनाव में क्या कर सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर आपके साथ चर्चा में हूँ। तो 2024 के लिए अगर मैं सबसे पहले नाम पर आपसे चर्चा करूँ तो वो नाम आता है पंडित टेकचंद शर्मा का, जो 2014 में विधायक बने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, और उन्होंने समर्थन दिया मनोहर लाल की सरकार को, मनोहर लाल के नेतृत्व में चली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 2019 का जब चुनाव आया तो उस समय वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया 2019 के चुनाव में, बीजेपी ने टिकट दिया सोनपाल छौकर को, तो टेकचंद शर्मा पार्टी में ही बने रहे। उन्होंने अपना राजनीतिक बलिदान कर दिया, यानी कि राजनीतिक बलिदान इसको कहते हैं कि चुनाव की तैयारी करते रहे पूरे 5 साल लेकिन चुनाव लड़े नहीं। अब इस चुनाव के अंदर 2024 का विधानसभा चुनाव होना है, टेकचंद पूरी तैयारी में है, पंडित टेकचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आजकल हैं, और उनका प्रयास है कि उनकी कोशिश है कि उनको भारतीय जनता पार्टी अपना नुमाइंदा बनाए। और अगर मैं आपको बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उनके नंबर ठीक ठाक हैं, बीजेपी में वो कंसीडर भी उनको लगभग लगभग जो मेरे राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि उनको कंसीडर किया जाएगा। यानी कि पहला नाम पंडित टेकचंद शर्मा, मैंने आपको बता दिया कि विधायक रहे, विधायक रहते उन्होंने खूब काम भी किए, उनका नाम भी हुआ, विधायक रहते उन्होंने उनकी जो निष्ठा रही पूरी तरह से बीजेपी के प्रति रही। 2019 से 2024 भी बीजेपी में रहे, थोड़े बहुत मनमुटाव तो हो जाते हैं राजनीति के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी में वो चलते रहे। और मैंने आपको ये भी बताया कि टेकचंद शर्मा का इस विधानसभा चुनाव को लड़ना लगभग लगभग तय है। मैंने आपको ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के बतौर कैंडिडेट उनका नाम सबसे ऊपर चलता है। और इसके साथ आपको एक बात और जोड़ दूं कि मैंने 2-4 बोर्ड उनके रास्ते में लगे हुए देखे हैं जिनमें टेकचंद शर्मा के साथ में उनके समर्थक कार्यकर्ता का फोटो है, यानी कि उनका जो बोर्ड है वो भगवा कलर का तो है लेकिन उस पर बीजेपी के नेताओं के फोटो मुझे चेहरे दिखाई नहीं दिए। तो इतना आप जरूर मान लें कि टेकचंद शर्मा अगर बीजेपी से कंसीडर नहीं हुए, जहां तक मेरा मत है, तो मुझे लगता है कि वो चुनाव तो फिर भी लड़ेंगे। यानी कि पहला कैंडिडेट टेकचंद शर्मा, जो ब्राह्मण कैंडिडेट लगभग हो सकते हैं, लगभग जिनको मैं तय मानता हूं। अगर अगले आपसे नेता की बात करूं तो मैंने आपको जिक्र किया सुरेंद्र वशिष्ठ का। 2014 में सुरेंद्र वशिष्ठ बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, उनके भी अगर आप देखें तो रास्ते में कई जगह आपको फ्लेक्स होर्डिंग बोर्ड दिख जाएंगे। और जब से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है तब से तो बीएसपी के नेता अपने आप में या लोकदल के नेलों के नेता अपने आप में दमादम है, उनको लगता है कि जैसे उनकी ताकत बढ़ गई। और वैसे भी 1 और 1 11 तो कहा ही जाता है, जब 2 पार्टियां जुड़ गई तो कम से कम उनका वोट परसेंटेज तो जरूर जुड़ेगा। ये दीगर बात है कि पिछले समय में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ भी गिरा है और पिछले समय में इंडियन नेशनल लोकदल का भी ग्राफ गिरा। अब 2024 में ये दोनों पार्टियां मिलकर क्या करिश्मा करेंगी, ये चुनाव बताएगा, जो 2024 का चुनाव होगा। पंडित सुरेंद्र वशिष्ठ मैंने आपको बता दिया, उनका मूलतः गांव राठीवास, आजकल वो बगोला में बसे हैं, रचे बसे यहीं के हो चुके हैं। और जो पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2014 में, उस चुनाव में उनको लगभग 8,000 के आसपास करीब करीब वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब इस बार भी पिछले दिनों जो मायावती जी के भतीजे हैं और आजकल बहुजन समाज पार्टी के कर्ता धर्ता हैं आकाश आनंद, वो भी आए हुए थे, वो भी उनको समर्थन का, उनको लगता तो ऐसा कि जैसे टिकट का ऐलान कर गए थे, पर उसके बाद में परिस्थितियां बदली हैं और बदली परिस्थितियों में सुरेंद्र वशिष्ठ को टिकट मिलता है नहीं मिलता, कितने मजबूत होते हैं, लेकिन दावेदारी उनकी भी है, क्योंकि जिन लोगों के फ्लैग्स होर्डिंग दिख जाए तो आप मान लें कि उनकी दावेदारी पूरी है। तीसरे ब्राह्मण नेता की अगर मैं आपसे बात करूं तो तीसरे ब्राह्मण नेता जो चुनाव की तैयारी में है वो है पंडित अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा का गांव झाझरू है, जननायक जनता पार्टी में है, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, दुष्यंत चौटाला के काफी नजदीक हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं तो अरविंद शर्मा पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2019 में भी उन्होंने टिकट की दावेदारी की थी जननायक जनता पार्टी से,
जो दावेदार थे उनमें प्रमुख थे वो भी, और जननायक जनता पार्टी ने अपना टिकट दे दिया था शशि बाला को। शशि बाला आजकल पलवल का जो गांव है भिड़ोकी होडल विधानसभा क्षेत्र का, उसकी सरपंच हैं। शशि बाला का जो मायका गांव है वो भनकपुर है। तो शशि बाला को टिकट मिली थी 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी की, और बड़ी हैरत की बात थी कि जहां पर टिकट ना मिलने पर लोग पार्टी छोड़ रहे थे, शशि बाला ने टिकट मिलने के बाद टिकट ही छोड़ दिया था। उनको टिकट का ऐलान हुआ, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और उसके बाद नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया और शशि बाला कैंडिडेट से पीछे हो गई, जननायक जनता पार्टी की वो सीट खाली रह गई। ये अचंभा करने वाली बात दोस्तों जरूर है। और जो मैं आपको बता रहा था, अरविंद शर्मा पिछले चुनाव में भी टिकट मांगते थे, प्रखर वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने जननायक जनता पार्टी छोड़ दी थी। बाद में वो जननायक जनता पार्टी में दुष्यंत चौटाला की पार्टी में वापस आ गए, और वापस आ करके वो पिछले 5 साल ठीक ठाक से अपना JJP में चले आ रहे हैं। आजकल उनके भी सोशल मीडिया पे मैं कई पोस्ट देखता हूँ जिसके अंदर कि अरविंद शर्मा, अरविंद भारद्वाज अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आपसे जिक्र करूं तो आपको एक नाम बता नहीं रहा हूं, लेकिन ये जरूर है कि एक ग्रामीण पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनके भी मन में इच्छाएं हिलोरे ले रही हैं कि क्या मैं भी विधानसभा की तैयारी कर लूं। और जो मेरी जानकारी बता रही है वो ये है कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, जो आजाद समाज पार्टी काशीराम, वो ट्राई में लगे हुए हैं कि कहीं वहां कोई अगर जुगाड़ लग जाए अगर। तो यानी कि 3 ब्राह्मण चेहरे तो मैंने आपको बता दिए कि जिनके नाम तय हैं कि ये लगभग लगभग कैंडिडेट हो सकते हैं, टेकचंद शर्मा, दूसरे कैंडिडेट मैंने आपको बताया सुरेंद्र वशिष्ठ, और तीसरा कैंडिडेट बताया मैंने आपको अरविंद शर्मा। और अगर पार्टियों की मैंने आपसे बात की तो BJP, BSP और JJP इन पार्टियों से ट्राई में ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। चौथा भी मैंने आपको नाम नहीं बताया, लेकिन बता दिया कि एक नेता और भी तैयारी में है, ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं वो। अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब प्रथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक एक बार तीनों नेता बन गए, जाट, ब्राह्मण और राजपूत, और मैंने आपको यह भी बताया कि ब्राह्मण मतदाता यहां पर लगभग 35,000 के आसपास यहां ब्राह्मण वोट प्रथला विधानसभा में है। आपसे यह भी जिक्र कर लें कि जो ब्राह्मण गांव कौन से हैं, तो अगर प्रथला विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हालांकि लगभग सभी गांवों में, चाहे वो अलावलपुर है, जनौली है, सदरपुर है, सभी गांवों में ब्राह्मण मतदाता तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बड़े, जो प्रमुख गांव हैं जो केवल ब्राह्मण मेजोरिटी माने जा सकते हैं, वो बगोला, देवली, ततारपुर, मांदकौल, देवली, ककड़ीपुर, नरियाला, हीरापुर, जुनहेड़ा, कटेसरा, पन्हेड़ा कला, पन्हेड़ा खुर्द, ये कुछ गांव हैं जो पूरी तरह से ब्राह्मण बाहुल्य गांव हैं। तो इस विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां सभी की जोरों पर हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रथला विधानसभा, जिसकी मैंने आपसे जिक्र शुरू किया था कि प्रथला विधानसभा से 3 ब्राह्मण नेता चुनाव मैदान में अपनी तैयारियों में जुटे हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि एक नेता और भी तैयारी कर रहे हैं। अब इनमें से कौन से नेता पर जनता विश्वास करेगी, कौन सा ऐसा नेता होगा जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, कौन ऐसा नेता होगा जो अपनी पार्टी से टिकट लेने में सफल हो जाएगा, फिर कौन ऐसा नेता होगा जो टिकट नहीं मिलने पर चुनाव लड़ने की हिमाकत करेगा, फिर कौन सा ऐसा नेता होगा कि अगर वो चुनाव मैदान में होगा निर्दलीय या कोई दलीय हो करके, तो फिर जनता कितना भरोसा करेगी। ये बहुत सारी बातें हैं। और फिर जो आज के समय में जो जिस प्रकार की राजनीति चलती है, जिस प्रकार से पाल गोत्र ये सब चलता है, तो फिर इन नेताओं के और कौन से समीकरण होंगे। अगर मान लें कि टेकचंद शर्मा लड़ते हैं तो फिर उनके कौन से समीकरण होंगे, अगर सुरेंद्र वशिष्ठ चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो उनके क्या समीकरण है जिनसे वो विधानसभा की वैतरणी पार कर लें, अगर अरविंद बाबू आते हैं तो फिर उनके पास कौन सा फलसफा होगा राजनीति का। ये बहुत सारे सवाल हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि प्रथला विधानसभा से क्या इन चेहरे जो मैंने आपको बताए ये चुनाव मैदान में आपको दिखाई पड़ेंगे? आपको क्या लगता है कि इन नेताओं के अलावा क्या कोई और भी चेहरा विधानसभा चुनाव में बतौर ब्राह्मण नेता आपको दिखाई पड़ सकता है? और अगर प्रमुख बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो मैंने आपको बताया कि टेकचंद शर्मा BJP और BSP, सुरेंद्र वशिष्ठ और JJP अरविंद शर्मा, क्या इन लोगों को टिकट मिल सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।